नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। आज हमारे बीच वो मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड में एक आंदोलन से निकला हुआ चेहरा है, युवाओं के लिए आवाज बना वो चेहरा आज संसदीय सीट टिहरी से ताल ठोक चुका है। 26 साल के युवा ने ऐसे व्यक्ति को टक्कर देने की ठानी है और वो भी भरोसा सिर्फ जनता, जनता के भरोसे पर और युवाओं के भरोसे पर आज ये चेहरा टिहरी लोकसभा सीट से अपने दमखम के साथ चुनाव पे उतर चुका है। इस 26 साल के युवा का नाम है बॉबी पवार। बॉबी पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बॉबी पवार जी, सबसे पहले तो आप आंदोलन से निकले हैं, तो एक आंदोलन से निकले बॉबी पवार को एक नेता बॉबी पवार के रूप में क्या उत्तराखंड की जनता स्वीकार कर पाएगी? देखिए, आंदोलन का बहुत बड़ा इतिहास रहा है इस भारतवर्ष में, इस उत्तराखंड में। ये देशी आंदोलन के बदौलत आज़ाद हुआ है, ये प्रदेशी आंदोलन के बदौलत हमें प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस देश में समय समय पर कहीं ना कहीं आंदोलन में बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता इस देश के अंदर दिए हैं। वो चाहे आप जेपी आंदोलन की बात कर लो, जिसने जो जिस आंदोलन से निकले हुए आज कई नेता जो देश के कई अनेक राज्यों में मुख्यमंत्रियों के पदों पर और बड़ी बड़ी राजनीतिक पदों पर है। तो मुझे लगता है कि आंदोलन एक माध्यम है, एक उस विश्वास को जगाने का, जनता को विश्वास दिलाने का कि ये व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम भी इस परिस्थिति से गुजरे हैं, इस आंदोलन को लड़कर हम आगे बढ़े हैं। तो आज जिस प्रकार से युवाओं ने हम पर भरोसा किया है, कुछ अभिभावकों ने, कुछ आंदोलनकारी शक्तियों ने जो भरोसा किया है, तो हमें लगता है कि हमने जो ये फैसला लिया है, उनके कहने पर, इनके सुझावों पर ये फैसला लिया है। अभी आप लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, बहुत सारा जन समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन क्या जन समर्थन मोदी लहर के बीच में और हिंदुत्व राष्ट्रवाद की जो राजनीति चल रही है उसके बीच, क्या वो जन समर्थन जो आपके साथ है वो चुनाव में वोटों पे तब्दील हो पाएगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है। इस उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्तियों से अधिक राष्ट्रवादी कौन हो सकता है? यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों ने राष्ट्र के लिए हमेशा अपनी जान तक निछावर कर दी है। तो राष्ट्र का तो मुद्दा ही खत्म हो गया कि इस राष्ट्रवादी लहर में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस प्रदेश को छला गया है, जिस प्रकार से इस प्रदेश को अनदेखा किया गया है, आज लड़ाई मोदी वर्सेज राहुल की नहीं है, आज लड़ाई केवल और केवल इस प्रदेश के अस्तित्व और अस्मिता को बचाने को लेकर है। आज ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं है, आज ये लड़ाई आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है। वही राजशाही जिन्होंने 1930 में जो यमुना नदी के किनारे जो निहत्ते जो अपन आंदोलनकारी जो अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, उन पर गोलियों की बौछार की गई थी। ये लड़ाई श्रीदेव सुमन की विचारधारा की है, जिस श्रीदेव सुमन ने राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए जो कदम उठाए थे, जो पहल की थी, पर उस श्रीदेव सुमन की भी इन्होंने हत्या की थी। आज वो लड़ाई है। आज जिस प्रकार से हम जनता के बीच जा रहे हैं, लगभग हमने 14 विधानसभाओं का भ्रमण किया है, और कहीं ना कहीं मजबूती हमारी ये है कि आचार संहिता लगने से पहले तक हमने 11 विधानसभाओं के दौरे पूरे कर लिए थे, और आज जहां दोबारा हम दूसरी बार जिस विधानसभा में जा रहे हैं, आज लोगों का प्यार समर्थन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। कहीं ना कहीं इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में आज जनता बदलाव का मन बना चुकी है, और जनता टिहरी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, वो इस बार कुछ टिहरी संसदीय क्षेत्र में एक नया इतिहास का अध्याय लिखने जा रही है। जी, अगर टिहरी सीट की मैं बात करूँ तो परिसंपत्तियों के जो बंटवारे और उनके जो मुद्दे हैं वो आज भी जो के त्यों हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, सेंटर से लेके दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी आज भी वो निपट नहीं पाया है, वो मामला सुलझ नहीं पाया, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस उत्तराखंड के इतिहास में 24 वर्षों का ये उत्तराखंड, कहीं ना कहीं इतने लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए हैं, कभी परिसंपत्तियों का मुद्दे नहीं उठे हैं। इस बार जब हम चुनावी मैदान में हैं तो परिसंपत्तियों पर हम जमकर बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, और आज मजबूरी में यहाँ के नेताओं को परिसंपत्तियों की बात करनी पड़ रही है। आज परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो आपने सच्चाई कही है, यही सच्चाई हम कई मंचों से अपने भाषणों में, अपने सभाओं में कह चुके हैं कि यहाँ पर जो परिसंपत्तियों का बंटवारा है, जिस टिहरी डैम को लेकर बात हो रही है या हरिद्वार में कुछ जो होटल्स हैं उनके लेकर बात हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि टिहरी डैम को लेकर, जिस टिहरी डैम बनने की जब बुनियाद जब उसकी रखी गई थी, तब वहाँ पर शर्तें और थी, तब हमारे सैकड़ों गाँव उस डैम में समा गए, तब हमारे हजारों लोगों को वहाँ से आंसू निकाल कर वहाँ से पलायन करना पड़ा। जी,
कहीं ना कहीं। और जब डैम बनकर तैयार हुआ और इतना बड़ा डैम जब इस पहाड़ जैसे क्षेत्र में बनाया गया, उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र में अगर आज सबसे अधिक बादल फटने की जो घटनाएं हो रही है वो केवल और केवल टिहरी डैम की वजह से हो रही है। अगर इतना त्याग समर्पण करने के बाद भी, इतना नुकसान झेलने के बाद भी जब हमने आंकड़े जुटाए, उसके बाद जब निकल कर आया कि उत्तराखंड को केवल और केवल 12% रॉयल्टी उसमें मिल रही है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे नेताओं ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई है। आज हम वहाँ पर रॉयल्टी की बात नहीं करेंगे, हम वहाँ पर हिस्सेदारी की बात करेंगे और हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज भले ही हमारी सरकारें, भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार एक ही पार्टी की रही हो, आज मामले मुद्दे सुलझाए जा सकते थे, पर इसलिए नहीं सुलझाए जा रहे कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। अगर उत्तराखंड को इनका हिस्सेदारी दे दी गई, कहीं ना कहीं यूपी में जहां 80 सीटें हैं वो राज्य नाराज हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसको देखते हुए ये मामला नहीं सुलझ रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूं प्रदेश की जनता से, इस टिहरी संसदीय की जनता से, कि आप लोगों ने अगर हमें मजबूती प्रदान की, आप लोगों ने हमारे हाथ मजबूत किए, तो इस बात को प्रमुखता से संसद के अंदर उठाया जाएगा। क्योंकि आपके नेशनल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो पार्टी का जो बोला हुआ होगा, जो पार्टी की डेडलाइन होगी उस पर वो चलेंगे। पर हम खुलकर इसलिए बोल सकते हैं, हम आपके बीच के लोग हैं, हम आपके बीच से निकल कर जब वहाँ जाएंगे तो हम आपकी पीड़ा को रख सकते हैं। और ये चाहे परिसंपत्तियों की लड़ाई हो, अपने संसाधनों की लड़ाई हो, या चाहे और भी जो उत्तराखंड की जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर मुखरता से हम संसद के भीतर हम बोलेंगे। आपने टिहरी डैम की जिक्र भी किया, तो टिहरी डैम से रिलेटेड एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है जो वहाँ के विस्थापितों का है, और विस्थापित आज भी परेशान हैं और वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि इस बार हम चुनाव में किसी को वोट नहीं देंगे। तो अगर आप लोकसभा सीट से जीत जाते हैं तो आप उनके लिए क्या करने वाले हैं या करने की सोच? ये कहना चाहता हूँ, आज विस्थापित लड़ रहे हैं, आज बेरोजगार लड़ रहे हैं, आज उत्तराखंड में जो आंदोलनकारी वो लड़ रहे हैं, आज तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर लड़ रहे हैं। पर हमने जब इस चीज़ का अनुभव लिया, जब 5-7 वर्षों से हमने संघर्ष किया, तो कहीं ना कहीं हमने जो अनुभव प्राप्त किया वो ये किया है कि सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। सड़कों पर लड़कर हम किसी पार्टी या सरकार को हम ज्ञापन सौंप सकते हैं, सड़कों पर लड़कर हम उनके मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, सड़कों पर लड़कर हम उनका पुतला दहन कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं विस्थापितों की बात भी करना चाहूँगा, आंदोलनकारियों की बात भी करना चाहूँगा, बेरोजगारों की बात भी करना चाहूँगा, पर वो तब जब आपके बीच से आपका चुना हुआ कोई नेता, आपके बीच से आपकी पीड़ा समझा हुआ कोई नेता अगर आगे जाएगा तब इन मामलों के समाधान होंगे, तभी सॉल्यूशन निकलेंगे। नहीं तो सड़कों पर लड़कर क्या, सड़कों पर एक सीमित दायरा है, उस दायरे में रहकर हमने अगर ज्यादा ही प्रेशर बना दिया कुछ मांगे मनवाई जा सकती है। पर जो नीतियां बनेंगी, अगर ये नीति बनानी है कि विस्थापितों के लिए क्या नीति बननी चाहिए, तो वो सड़कों पर तो बनेगी नहीं, वो या इस प्रदेश की विधानसभा के अंदर या इस देश की संसद के अंदर जाकर तभी होगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे वो मुद्दा विस्थापितों का हो, चाहे वो मुद्दा उस समय का हो जब इस टिहरी डैम की बुनियाद रखी गई थी, तब ये कहा गया था कि इस टिहरी क्षेत्र में या इस उत्तराखंड में पानी का और बिजली का जो बिल आएगा वो 15 रुपये महीना आएगा। पर आज स्थिति देख लो क्या है, आज ये ऊर्जा प्रदेश कहा जाने वाला प्रदेश, इतनी क्षमता इस प्रदेश के अंदर है कि अगर यहाँ पर इनको उत्तराखंड को स्वामित्व का अधिकार जो मिल जाए तो इस पूरे प्रदेश को बिजली पानी फ्री मुहैया करवा सकते हैं। जी बॉबी पवार अगर चुनाव मैदान में उतरे हैं, आपका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो 3 बार की सांसद रह चुकी हैं, इसी के साथ ही राजघराने की हैं। तो राजघराने होने के साथ और सांसद रहने के साथ साथ वो एक रानी है, राज परिवार की बहू है, और आजकल जो चुनावों में सबसे ज़्यादा जो खेल देखा जाता है वो पैसे का देखा जाता है। पूरे दमखम के साथ आप चुनाव प्रचार में जी जान लगा देते हैं, और उसमें सबसे बड़ा आर्थिक जो मुद्दा आता है कि आर्थिकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसे समय पर एक राजघराने की बहू से, जिनका आर्थिक पक्ष इतना मजबूत है, उनके साथ एक सामान्य परिवार से आए बॉबी पवार कैसे आगे तक लड़ पाएंगे और कैसे संसाधन जुटा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक संसाधनों की बात है, जहाँ तक पैसे की बात है, मैं समझता हूँ संसाधनों की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, पर ऐसा भी नहीं है कि पूरा चुनाव पैसों के बल पर लड़ा जाए। अगर ऐसा होता तो इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वो सारे आज नेता होते, सारे कोई मुख्यमंत्री होता, कोई प्रधानमंत्री होता। पर हाँ, इतना जरूर है संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और हमें भी पड़ रही है और उसकी कमी भी खिल रही है। पर जिस प्रकार से जनता चुनाव लड़वा रही है, तन मन धन से जनता सहयोग कर रही है, तो हमें उम्मीद है जब जनता खुद मैदान में है तो सामने कोई भी हो। आप कहें कि 3 बार की सांसद है, ठीक है 3 बार की सांसद है, पर जब हमने रिकॉर्ड निकाल कर देखा तो देखा गया 3 कार्यकालों में मात्र 1 बार
सवाल पूछने की हिम्मत हमारे सांसद महोदय ने की है। वो सवाल भी तब वहाँ पर जब खड़े सवाल बोलने उठे तो वो 7 या 8 सेकंड तक बोल पाई, उसके बाद भूल कर वो फिर नीचे बैठ गई। तो हम देखिए, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एक महिला होने के नाते, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते, पर वो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ही रहे, क्योंकि जहाँ तक संघर्ष करने की बात है, जहाँ तक एक नेतृत्व करने की बात है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए और इस टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता का मन भी यही है कि बदलाव होना चाहिए। जी, आपने एक कार्यक्रम में कहा था कि आजकल ईडी और सीबीआई के बल पर नेताओं को डराकर अपनी तरफ किया जा रहा है, तो अगर ऐसे ही बात करूँ तो कई केस और कई मामले आप पर भी हैं, तो क्या भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि बॉबी पवार भी डर कर सीबीआई और ईडी से डर कर किसी पार्टी विशेष का साथ या दामन थाम लें? नहीं, हम पे जो आरोप जो मामले हैं वो हम पर आरोप लगाए गए हैं वो निराधार आरोप है। हम पे चाहे वो 8 मुकदमे हो, विभिन्न धाराओं में मुकदमे हो, 307 जैसी गंभीर धाराओं पर मुकदमा हो, या हमारे उसके खिलाफ जिस प्रकार के हम पे दबाव बनाए गए, हमको प्रताड़ित किया गया, हमारे खातों को होल्ड कर दिया गया, हमारे खातों को खंगाला गया, हमारे और चीज़ें सारी निकाली गई, गांव तक पूरी फोर्स भेज दी गई, गांव में मकान का फोटो ले आए, गांव में पूरी डिटेल निकाल दी, तो ये एक डराने की और दबाने की कोशिश थी। पर अगर बॉबी पवार ने भी कुछ गलत करा होता या गलत राह पर होते तो कहीं ना कहीं बॉबी पवार को भी झुकना पड़ता, बॉबी पवार को भी इनके साथ शामिल होना पड़ता, जैसे आज और नेता जा रहे हैं। पर बॉबी पवार ने ईमानदारी से ये 5-7 वर्षों का संघर्ष किया है और मैं विश्वास जनता को दिलाता हूँ कि ये आगे भी संघर्ष इसी ईमानदारी और कर्मठता के साथ किया जाएगा। और ये संकल्प इसलिए भी है कि हमने ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बदौलत शहादतों के बाद हमें प्राप्त हुआ है, कोई भीख में राज्य नहीं मिला है, तो हम चाहते हैं कि उन शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि हम तब दे पाएंगे जब इस राज्य के लिए उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे संघर्ष करेंगे। तो हमारी यही कोशिश है और इस राज्य को बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार से हमारे साथ प्रदेश भर का युवा मातृशक्ति अभिभावक और आंदोलनकारी शक्तियाँ जुड़ रही है, जो एक कारवां बढ़ता जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश के लिए अब ये समय आ चुका है कि एक बेहतर बदलाव का और इस प्रदेश को बेहतर बनाने का। जी, अगर आप चुनाव लड़ना ही चाहते थे तो उसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो यहाँ का एकमात्र जो दल है वो उत्तराखंड क्रांति दल है, जिसके साथ भी आप चुनाव लड़ सकते थे और उत्तराखंड के लिए खड़े हो सकते थे, यहाँ के लोगों के लिए खड़े हो सकते थे, तो आपने अलग से या फिर निर्दलीय लड़ने का मन क्यों बनाया? देखिए, अगर मैं चुनाव लड़ने के मकसद से, राजनीति में आने के मकसद से मैं अगर ये संघर्ष करता तो शायद मैं हो सकता किसी दल से लड़ जाता, पार्टी लेकर वही लड़ जाता या पूरी प्री प्लान होकर मैं आता। पर हम तो एक शुद्ध तैयारी करने वाले छात्र थे, हमें तो यहाँ पर परिस्थितियों ने लाकर खड़ा किया है। आज हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, जिस प्रकार के गंभीर धाराओं से मुकदमे हम पर किए हैं, तो आज हम सरकारी नौकरी के रेस में नहीं है, हम उस दिशा की ओर नहीं जा सकते हैं। पर आज मजबूर किया है इन लोगों ने, और ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि जिन आंदोलन की बदौलत ये देश आज़ाद हुआ है, जिन आंदोलन की बदौलत ये राज्य मिला है, उन आंदोलनों को नज़रअंदाज करने के क्या परिणाम रहते हैं, ये हम मैसेज देना चाहते हैं। आज अगर टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता प्यार देती है, समर्थन देती है, हमें जिताती है, तो एक बड़ा मैसेज देश के अंदर जाएगा कि कभी सरकारें आंदोलनों को जो स्वीकार करना चाहिए उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेंगी, आंदोलनों को बिल्कुल स्वीकार करेंगी और उनको कम से कम जो आंदोलन चल रहे हैं उनको प्रमुखता से उनको लेंगे और उनकी मांगों को लेंगे। जी, अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी से हमने बात की थी, तो उन्होंने एक बात कही थी, जब उनसे पूछा गया कि बॉबी पवार के बारे में वो क्या सोचती है, तो उन्होंने कहा था बॉबी पवार ने बहुत जल्दी कर दी राजनीति में आने के लिए, और अभी तक वो आंदोलनकालीन एक युवा के रूप में जाने जाते थे, आज वो एक महत्वाकांक्षा उन्होंने बढ़ा ली है, शायद इस वजह से वो अगर उनका आना इस समय पर जल्दी हो गया है, तो इस पर आपके क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें जो युवाओं ने आदेश किया, जो यहाँ के आंदोलनकारी शक्तियों ने आदेश किया, जो कुछ ऐसे प्रदेश के भीतर ऐसे लोग जो प्रदेश के बारे में चिंता करते हैं, उन लोगों ने जब आदेश किया कि भाई सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है, तुम्हें लड़ना है तो विधानसभा या संसद के भीतर जाकर लड़ो, तो हमने ये फैसला लिया। अब जल्दीबाजी होगी, क्या होगा, ये तो समय तय करेगा, ये समय के गर्भ में छिपी हुई बातें हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो चीज़ें बन रही थी, एक इंडिया अलायंस का भी एक ऑप्शन था और उसमें ये चीज़ें हो सकती थी, पर जिस प्रकार से मुझे
मुझे समझ आया है या जिस प्रकार की चीजें निकल कर आई है कि खुद कांग्रेस पार्टी के टिकट बीजेपी वितरित कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बॉबी पवार तो मजबूती से आज खड़े हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के लिए चीजें हुई है, जो षड्यंत्र हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं खामियां तो आ रही थी नजर। जी, अगर आपको मैं कहूं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद आगे कोई संभावनाएं हैं बॉबी पवार का किसी पार्टी में शामिल होने की, या आपने कभी सोचा है कि आप कभी किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे? नहीं, देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, ये मुद्दे हैं, ये नहीं मरने चाहिए जी। इस प्रदेश के लिए ये मुद्दे महत्वपूर्ण है। बॉबी पवार का पार्टी में जाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये मुद्दे महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के लिए, इन मुद्दों का जीवित रहना महत्वपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कारमा जुड़ रहा है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, और जिस तरीके से लोग वास्तविक रूप में जो परेशान थे, अब उनमें कहीं ना कहीं एक विश्वास जगा है, तो हम उस विश्वास को नहीं खोना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रदेश की बेहतरी के लिए जो सही होगा उसमें रहकर, उस परिपाटी पर चलकर आगे इस प्रदेश की दिशा और दशा देने का हम काम करेंगे, और आगे ये संघर्ष जारी रहेगा। मतलब मना नहीं कर रहे हैं कि आप किसी पार्टी में नहीं जुड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मना किसी पार्टी का मतलब क्या है? कल के दिन जरूरत पड़ी तो इस प्रदेश के लिए एक नई पार्टी बनाई जाएगी, वो तो संभावनाएं हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण ये प्रदेश है। बॉबी पवार का पार्टी में जाना, या बॉबी पवार की पार्टी बनाना, या उसको कांग्रेस बीजेपी में जाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे जीवित रहने चाहिए। अगर आप लोकसभा ये चुनाव, अगर संसदीय ये चुनाव जीत जाते हैं, तो सेंटर में आपकी सरकार नहीं, आप निर्दलीय हैं, तो आपको जब सरकार ही आपकी नहीं है, तो आपको कितने लग रहा है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी संसद में? ये संविधान से चलने वाला देश है, यहाँ पर अगर कोई अपने अधिकारों को पहचानता है, तो मुझे लगता है कि वो निर्दलीय हो या किसी दल से हो या विपक्ष का हो, पक्ष का हो, अगर उसे अपने अधिकारों की ताकत पता है, तो मैं समझता हूँ कि वो कम से कम अपने उस क्षेत्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं प्रमुखता से वो लड़ेगा, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र की तरक्की के लिए लड़ेगा। तो हमें सब पता है कि किस प्रकार से अगर हम निर्दलीय भी जाते हैं, क्या हमारी वो 17 करोड़ की सांसद निधि रोक देंगे? मतलब ही नहीं है। क्या इस क्षेत्र की जो जन समस्याएं होंगी, जो सेंटर से जो पैसा इस क्षेत्र के लिए आना होगा, जो जायज होगा, क्या उस पैसे को रोक देंगे? कभी नहीं। बस संघर्ष करने की जरूरत है, बस इस क्षेत्र की समस्याओं को उस पटल पर रखने की जरूरत है जहाँ से इसका समाधान होना है। हम उसी रास्ते पर चलेंगे और उसी लाइन पर चल रहे हैं जी। अगर विधानसभा, अपने क्षेत्र के विकास की अगर बात की जाए, तो अगर आप शायद विधानसभा चुनाव लड़ते और विधानसभा से यही राज्य के लिए चुनाव लड़ते, तो क्या बेहतर नहीं होता बजाय कि आप सांसद की सीट के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे सामने चुनौती अभी लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव 2027 की बात है, उस पर भी विचार किया जाएगा, उस पर भी हो सकता है बॉबी पवार जैसे कई और बॉबी पवार चुनाव लड़े, इसकी संभावनाएं हैं, और इसकी जरूरत इस प्रदेश को है, जिस जो ये प्रदेश राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, उस इस प्रदेश को राजनीतिक संकट से उभारने के लिए कई बॉबी पवारों की जरूरत पड़ सकती है, और 27 में ये संभावना पूरी तरीके से है कि कई बॉबी पवार 27 में चुनाव लड़ेंगे जी। उत्तराखंड यानी टिहरी सीट पर के 3 सबसे बड़े मुद्दे जो बॉबी पवार को लगते हैं सबसे जरूरी है। देखिए, टिहरी सीट की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा इस टिहरी डैम का है, उसमें हमें यहाँ के उत्तराखंड का स्वामित्व चाहिए, यहाँ हिस्सेदारी चाहिए, और दूसरी बात जो इन टिहरी डैम में जिस प्रकार से 70% जो स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, वो आज कागजों में जरूर है पर धरातल पर नहीं है, ये पहला मुद्दा है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे 2 धाम हैं वो इस टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, उन धामों में जिस प्रकार की दशाएं हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को सुधार कर यहाँ जो है आध्यात्मिक, जो हम एक राजधानी के रूप में आध्यात्मिक इस प्रदेश के रूप में इसे डेवलप करने की जो हमारी सोच है, हम जरूर चाहेंगे कि पर्यटन अपने अलग रूप में है, परंतु आध्यात्मिक रूप में इसे अगर विकसित किया जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। 2 ये मुद्दे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंदर पहाड़ प्लस तराई के दोनों क्षेत्र आते हैं। अगर पहाड़ों की बात करूं तो जो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का जो स्तर है वो बिल्कुल बद से बदतर है। वहाँ बिल्डिंगों विकास के नाम पर स्कूलों की बिल्डिंग तो है, पर उस बिल्डिंग के अंदर टीचर नहीं है। उस पहाड़ में विकास के नाम पर अस्पताल की बिल्डिंग तो है, उस बिल्डिंग के अंदर ना तो डॉक्टर है, ना एक्सरे मशीन है, ना इंजेक्शन है, ना कुछ नहीं है।
और वही हाल मैं इस तराई क्षेत्र का करूंगा। एक शहर का अगर देहरादून की छोड़कर बात करूं, पछुआ दून में आप देखोगे शैलाकुई, सहसपुर, विकास नगर वगैरह जैसी जगहों पर देखोगे, वहां भी कोई शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेहतर नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। बाकी हमारे बहुत से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, और 2 से 3 दिन के अंदर हम एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करके उन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे और उन मुद्दों के आधार पर वोट मांगेंगे। इसमें मेरा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर राउंड का, मैं चाहूंगी एक एक शब्द में या एक सेंटेंस में आप उसका जवाब दें। उत्तराखंड अपनी देवभूमि। पलायन, पलायन की मार उत्तराखंड झेल रहा है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद तो हमारे दिलों में है। हिंदुत्व हमारा धर्म है। मोदी लहर, कोई मोदी लहर नहीं है, नारे लग रहे हैं कि मोदी जी हमारी मजबूरी है, बॉबी पवार जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो एक तो मुख्यमंत्री आए हैं पर हारने के बाद मुख्यमंत्री बनाए हैं। हाकम सिंह, हाकम सिंह तो एक प्यादा है, कई ऐसे हाकम सिंह बैठे हुए हैं जिनकी गर्दन पकड़नी है। कांग्रेस, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उन्होंने नेशनल पार्टी होने का फर्ज निभाया और अपना एक कैंडिडेट उतारा है। अरविंद केजरीवाल, आज जिन मामलों को लेकर वो जेल के अंदर है, अगर गलत किया होगा सजा मिलनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि चैनल का जो काम रहता है कि एक आईने की तरह रहना होता है, सही को सही और गलत को गलत दिखाने का जो काम रहता है, आपका जो चैनल है वो इस प्रकार से इस समाज के बीच रहकर काम कर रहा है। तो मुझे खुशी है कि कहीं ना कहीं आज पत्रकारिता की जो बात करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया सच्चाई को दिखाने में पीछे हट रही है, जो डर रही है, कहीं ना कहीं आप जैसे चैनल, रीजनल चैनल और आप जैसे डिजिटल चैनल जो दिखाने का साहस कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी इसी पथ पर अग्रसर रहे तो जरूर हम इस प्रदेश और देश को बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।